की डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है। इसमें ओवरलैपिंग हम आर्क बनाएंगे पर्ल अटैच करके। तो सबसे पहले थ्रेड को अटैच कर दें एज पे। अब एक पर्ल ऐड करेंगे। पर्ल ऐड करने के बाद थोड़े से डिस्टेंस पे इसे अटैच करना है। 1 और 2, 2 फिंगर्स मैंने रखे और इस तरह से मैंने डिस्टेंस मेंटेन किया है और इसे अब मैं अटैच कर दूंगी। इसके लूप को ज़्यादा पुल नहीं करना है, जिस एक फिंगर बस इसमें जा सके उतना ही करेंगे। अब ये पर्ल के बाद यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे। लूप को डबल करना है, लूप को दोनों को साथ में होल्ड करते हुए यहाँ पर लेते हुए आना है और पुल करना है इस तरह से। तो ये टाइटली यहाँ पर अटैच हो जाएगा। थोड़ा सा पुल कर ले ताकि नॉट टाइट है, देख ले। फिर से ये स्टार्टिंग पॉइंट पे ये जो लूप है इसे और एक बार बनाएंगे इसके ऊपर। इसे भी इस साइड पुल करें और फिंगर से देखें। अब इसमें हमें बटन होल स्टिचेस बनाते जाना है। तो इस साइड राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो इस तरफ रखेंगे। मैंने इसमें फिंगर रखी है ताकि सारे लूप एक साथ रहें और आसानी से बन जाएंगे। अब ये कितने बटन होल स्टिचेस बनाना है ये आपके जो लूप है इसके साइज पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा लूप आपने बनाया है और इसे फिल करने के लिए कितने टाइम हमें बटन होल स्टिचेस लग सकते हैं। ये आप अपने अंदाजे से बनाते जाए ताकि बस ये गैप फिल हो जाए। पर याद रखें कि उतने ही बटन होल स्टिचेस हमें नेक्स्ट लूप में बनाने होंगे। इसे देखें कि कितनी ज़रूरत है। थोड़ा सा कर्व होना चाहिए, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। तो थोड़े से बटन होल स्टिचेस एक्स्ट्रा बनाएं ताकि इसका कर्व शेप मेंटेन रहे इस तरह से। गैप फिल होने के बाद भी मैंने एक्स्ट्रा बना दिए 2, ये कर्व हो जाएगा फिर उसकी वजह से। अब ये सेम पर्ल में से निडल को निकाल दें। ये निकाल दिया मैंने, ये कर्व शेप भी हो गया। अब इसे पीछे की तरफ निकालेंगे, हमें निकालना है इस तरह से। यहाँ से देख सकते हैं फैब्रिक के पीछे जाएंगे इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर अटैच हो गया है। अब एक फिंगर रखनी है हमें और वो फिंगर के पास से हमें फिर से निकालना है निडल को। अब हम यहाँ पर अटैच करने वाले हैं। तो बराबर से एक फिंगर का डिस्क, क्योंकि 2 फिंगर का टोटल लूप था, 1 फिंगर पे निकालेंगे फिर से इसे। फिर से स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर मैं एक स्टिच ले रही हूँ, चेन स्टिच इस तरह से। अब यहाँ पर ऐड करेंगे न्यू पर्ल। फिर से एक और एक पर्ल ऐड कर दिए, सेकंड पर्ल। अब इसे अटैच करने की टेक्निक है 1 फिंगर तो और 2 फिंगर टोटल लेते, तो इसके बाद एक फिंगर ले लें तो वैसे ही मेंटेन हो जाएगा। सेम रिपीट करेंगे। एक फिंगर रखते हुए मैं लूप बनाती हूँ हमेशा। डबल करें।
अब हमें इसे यहाँ पर अटैच करना है। अब ये पहली वाली डिजाइन के साथ में लेंगे ताकि ये दूसरी इसके साथ मूव नहीं हो, ये अटैच बने। तो इसके अंदर से लेके अभी देख सकते कि थोड़ा सा डिस्टेंस रखा है मैंने, हाफ से थोड़ा कम है, और इसे इसके साथ अटैच करेंगे। दोनों होल्ड करें, इसके बटन होल स्टिचेस स्टिच में मैंने इस तरह से निडल इंसर्ट की। ये कनेक्ट हो गए यहाँ पर। अब कंटिन्यू करेंगे सेम। अब ये पल में से भी निकाल देंगे। अब सेम रिपीट करते हुए डिजाइन कंप्लीट करें।